नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका साथी टेक्नोलॉजी के एक और नए वीडियो में। पिछले वीडियो में हमने ग्रैब का इंट्रोडक्शन देखा था और एक दो एग्जांपल देखे थे कि ग्रैब कैसे काम करता है। उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आज इस वीडियो में हम फाइंड और चेंज जो डायलॉग बॉक्स ओपन होता है उसके बारे में थोड़ा डिटेल में सीखेंगे, जिससे कि आगे आने वाली वीडियो में हमें ग्रैब को चलाने में आसानी हो। तो अगर आप मैक यूज़ कर रहे हैं तो आपको कीबोर्ड से प्रेस करना है कमांड F, और अगर आप विंडोज़ प्लेटफॉर्म को यूज़ कर रहे हैं तो कंट्रोल F। और जैसे ही आप इसे प्रेस करेंगे आपके सामने ये फाइंड चेंज का विंडो खुल जाएगा, और इस विंडो में हम ये पूरी चीज़ आज डिटेल में सीखने वाले हैं कि ये क्या क्या हैं और इनका यूज़ कहाँ होता है। तो जो सबसे पहला है हमारा फाइंड व्हाट, इसका मतलब हमें जो भी चीज़ सर्च करना है वो हम यहाँ पर लिखेंगे और जस्ट क्लिक करेंगे फाइंड नेक्स्ट में और ये हमें सर्च करके देगा। उसके बाद चेंज टू, चेंज टू में हम वो टेक्स्ट लिखेंगे जो इस टेक्स्ट से हम रिप्लेस करना चाहते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल हमने यहाँ बेस्ट लिखा है और इसको हेलो से रिप्लेस करना चाहते हैं, तो जैसे ही हम इसे चेंज पर क्लिक करेंगे ये टेक्स्ट चेंज हो जाएगा हेलो में। ठीक, तो ये एक एग्ज़ाम्पल है। कंट्रोल जेड, उसके बाद यहाँ पर हमें कुछ ऑप्शंस मिल रहे हैं यहाँ सर्च में, और ये ऑप्शन 1 2 3 4 5 ऑप्शन है जिसे हम अब सीखते हैं। तो जो सबसे पहला है ये है ऑल डॉक्यूमेंट्स, यानी कि अगर हम कोई भी फाइंड और रिप्लेसमेंट से रिलेटेड ऑपरेशन यहाँ पर कर रहे हैं तो यहाँ हमारे पास जितने डॉक्यूमेंट ओपन हैं उन सब में वो एग्जीक्यूट होगा। तो अगर आपने बेस्ट को हेलो से चेंज किया है और यहाँ पर कोई और डॉक्यूमेंट भी खुले हैं तो वहाँ भी वो चेंज हो जाएगा अगर आप चेंज ऑल करते हैं। ठीक वैसे ही दूसरा है डॉक्यूमेंट, जो ये इंडिकेट करता है कि हम जो भी ऑपरेशन यहाँ कर रहे हैं वो इस डॉक्यूमेंट में ही हो, किसी और डॉक्यूमेंट में कुछ चेंज ना हो। उसके बाद स्टोरी है, टू एंड ऑफ द स्टोरी है, और सिलेक्शन है। तो जो स्टोरी है, स्टोरी मतलब ये है कि हम अगर यहाँ पर देखेंगे तो ये एक टेक्स्ट बॉक्स है, ये भी एक टेक्स्ट बॉक्स है, और जो ये थ्रेड है ये इंडिकेट कर रहा है कि ये दोनों एक दूसरे से अटैच हैं। तो इसका मतलब है कि ये स्टोरी यहाँ से स्टार्ट हो रही है और यहाँ पर एंड हो रही है, और ये जो अलग एक टेक्स्ट बॉक्स है वो इस स्टोरी का पार्ट नहीं है। तो इस टाइम हमारे स्क्रीन पर दो स्टोरी हैं, एक स्टोरी ये है और एक ये है, और हम जो भी ऑपरेशन करेंगे अगर हमने यहाँ पर स्टोरी सेलेक्ट किया है तो जो भी स्टोरी सिलेक्टेड होगी उसमें ही वो ऑपरेशन होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल इस बेस्ट को मैं हेलो से चेंज कर रहा हूँ और हमारे पास ये स्टोरी सिलेक्टेड है, और अगर मैं चेंज ऑल करता हूँ तो यहाँ पर सारे चेंजेस हो गए, लेकिन यहाँ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा क्योंकि ये स्टोरी सिलेक्टेड थी और हमने यहाँ पर स्टोरी को सेलेक्ट कर रखा था। कंट्रोल जेड, इसके बाद एक और है, अभी यहाँ पर टू एंड ऑफ द स्टोरी नहीं आ रहा है। अगर हम यहाँ कहीं कर्सर रखते हैं, जस्ट क्लिक, अगर हमारा कर्सर यहाँ दिखने लग गया उसके बाद हमें एक ऑप्शन और मिलेगा, टू एंड ऑफ स्टोरी। इसका मतलब है कि किसी स्टोरी में हमारा कर्सर जहाँ है वहाँ से अगर फॉरवर्ड सिलेक्टेड है तो फॉरवर्ड की तरफ, और अगर बैकवर्ड सिलेक्टेड है तो बैकवर्ड की तरफ ही ऑपरेशन होगा, बाकी चीज़ अनअफेक्टेड रहेगी। तो फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा कर्सर यहाँ है और हम यहाँ करेंगे टू एंड ऑफ द स्टोरी, यहाँ पर ध्यान दीजिए कि फॉरवर्ड है, और अगर मैं बेस्ट को हेलो से चेंज करना चाहता हूँ तो इस कर्सर के बाद वाले जितने बेस्ट हैं वो हेलो में कन्वर्ट हो जाएंगे और पहले वाले नहीं होंगे।
तो चेंज ऑल पर क्लिक, एट रिप्लेसमेंट हुई है और वो एट रिप्लेसमेंट यहाँ से आगे की तरफ हुई है, पीछे हमारा कुछ भी इफ़ेक्ट नहीं हुआ। तो ये था टू एंड ऑफ द स्टोरी, कंट्रोल जेड। और एक और लास्ट हमारे पास बचा है सिलेक्शन, जो अभी नहीं है क्योंकि हमने अभी तक कुछ भी सिलेक्ट नहीं किया है। तो मैं इतना पार्ट सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब हमारे पास दिखेगा सिलेक्शन, जो ये शो करेगा कि हम जो भी चेंज करना चाहते हैं वो सिलेक्टेड पार्ट में ही होगा। तो फिर बेस्ट को चेंज करेंगे हेलो से चेंज ऑल, और अब हम देखेंगे कि इतना पार्ट, या फिर मैं इन तीनों को ही सिलेक्ट कर लेता हूँ, तो जो भी चेंजेस होंगे वो सिलेक्टेड एरिया में ही होंगे। चेंज ऑल पर क्लिक, तीन रिप्लेसमेंट, और वो तीन रिप्लेसमेंट यहाँ है। तो मुझे लगता है कि ये सब क्लियर हो गया होगा आपको। इसके बाद थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, तो हमें ये एक लाइन दिखाई दे रही है जिसमें कुछ आइकॉन्स हैं। तो जो पहला आइकॉन है वो है इंक्लूड लॉग्ड लेयर एंड लॉग्ड ऑब्जेक्ट। तो अगर हम इसे ऑन कर देंगे यानी एनेबल कर देंगे, तो ये लॉग्ड लेयर में भी किसी टेक्स्ट को सर्च कर पाएगा। लेकिन इसके नीचे आप ध्यान से देखेंगे तो फाइंड्स ओनली दिखाई देगा। फाइंड ओनली इसलिए क्योंकि अगर लेयर लॉक है तो इसका मतलब हम उसमें चेंज नहीं करना चाहते, इसीलिए हमने उसे लॉक किया है, और उस कारण ये लॉक्ड लेयर में कोई चेंज नहीं करेगा, बस उसको फाइंड कर सकता है। सेम दूसरा है इंक्लूड लॉक्ड स्टोरीज, तो यहाँ भी फाइंड ओनली है। उसके बाद इंक्लूड हिडन लेयर, तो ये हिडन लेयर में भी हम ऑपरेशन कर सकते हैं इसे ऑन करने के बाद। ये इंक्लूड मास्टर पेजेस को इंक्लूड करेगा, और इसके आगे है फुटनोट्स, और ये है होल वर्ल्ड। होल वर्ल्ड मतलब कि अगर हमने EST को चेंज किया हेलो में, तो वो इसे इफ़ेक्ट नहीं करेगा क्योंकि ये होल वर्ल्ड नहीं है। वो जहाँ भी इसे EST पूरा एक वर्ड मिलेगा वो वहीं चेंज करेगा। ठीक, तो ये कुछ ऑप्शन हैं जिन्हें हम इनेबल कर सकते हैं अपने सर्च और रिप्लेस के समय। ठीक, इसको मैं ऑफ़ कर देता हूँ। इसके बाद दो चीज़ और है हमारे पास, फाइंड फॉर्मेट और चेंज फॉर्मेट। फाइंड फॉर्मेट में हम बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन जैसे कुछ फॉर्मेट्स को सर्च कर सकते हैं, और चेंज फॉर्मेट में उसके फॉर्मेट को चेंज कर सकते हैं। तो मैं एक एग्जांपल दिखाऊंगा यहाँ पर। मान लीजिए कि कुछ बेस्ट ऐसे हैं जो बोल्ड हैं, हमारे पास ये चार बेस्ट ऐसे हैं जो बोल्ड हैं, और हम यहाँ पर बेस्ट सर्च करेंगे। फाइंड फॉर्मेट में हम बोल्ड, यहाँ से कई सारे फॉर्मेट हैं पैराग्राफ से रिलेटेड, तो आप जिस भी फॉर्मेट को इंक्लूड करना चाहते हैं अपने सर्च में वो आप यहाँ से कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने इंक्लूड किया बोल्ड, तो अब ये दो चीज़ों को सर्च करेगा, एक तो टेक्स्ट जो कि बेस्ट हो और वो टेक्स्ट बोल्ड भी होना चाहिए। इसको हेलो में कन्वर्ट करेंगे हम, और यहाँ से उसको अंडरलाइन भी कर देंगे। ठीक, तो हमने यहाँ से इसको अंडरलाइन किया, ओके। तो अब हम जितने बेस्ट बोल्ड में हैं उन सबको हेलो से चेंज करेंगे, और वो हेलो होंगे अंडरलाइन। यहाँ से फाइंड नेक्स्ट और इसको चेंज, चेंज ऑल, और ये आप देख सकते हैं कि जितने हेलो थे वो सब अंडरलाइन से चेंज हो गए हैं। ठीक,
इसके बाद इस तरफ अगर हम देखेंगे तो हमारा डायरेक्शन है कि हमारा कर्सर जहाँ है वहाँ से फॉरवर्ड यानी आगे की तरफ सर्च करना है, या बैकवर्ड यानी कि पीछे की तरफ सर्च करना है। फाइंड नेक्स्ट मतलब नेक्स्ट फाइंड, यहाँ चेंज मतलब जो हमें फाइंड हुआ है यानी कि जो भी हमें मिला है उसका हम चेंज करना चाहते हैं कि नहीं, तो अगर हम चेंज पर क्लिक करेंगे तो वो चेंज हो जाएगा। चेंज ऑल मतलब सारे चेंजेस एक साथ, और डन मतलब ऑपरेशन ख़त्म। तो ये हमारा इस डायलॉग बॉक्स का इंट्रोडक्शन था इस वीडियो में। ये इंट्रोडक्शन मैंने आपको टेक्स्ट में दिया है, लेकिन अगर आप ग्रैप पर क्लिक करेंगे तो ये सारे ऑप्शन ग्रैप में भी सेम है, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर इसका इंट्रोडक्शन दिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और अपने ग्रैप के बारे में थोड़ा और सीखेंगे। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि अगर आप बेल आइकन प्रेस करेंगे तो आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।